पर्पल न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और नए वीडियो अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज जो सीरिया में हो रहा है वह भविष्य में कई दूसरे देशों में भी हो सकता है। जब संवाद खत्म हो जाता है तो गृह युद्ध का खतरा बिल्कुल करीब दिखने लगता है। पिछले 7 सालों में सीरिया के गृह युद्ध ने लाखों लोगों की जान ले ली है। पिछले 1 सप्ताह में ही 120 से ज्यादा बच्चे मारे जा चुके हैं। युद्ध का महिमा मंडन करने वालों को मालूम होना चाहिए कि सीरिया के बच्चे अपने ही देशवासियों की बंदूकों से निकली गोलियों का शिकार हो रहे हैं। युद्ध से सिर्फ और सिर्फ हथियारों के व्यापारियों और जनता का शोषण करने वाले सत्ताधारियों का फायदा होता है। हमें उन लोगों की पहचान करनी होगी जो धर्म, समुदाय आदि के नाम पर एक नकली दुश्मन खड़ा करके हथियारों के व्यापारियों के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। अगर हमें अपने देश को सीरिया जैसी हिंसा से बचाना है तो संवैधानिक पर्दों पर बैठे लोगों को संविधान के मूल्यों का भद्दा मजाक उड़ाने से रोकना होगा। विनय कटियार जैसे भाजपाई कितनी आसानी से मुसलमानों को देश से चले जाने की बात कह देते हैं, ऐसी बातें ही देश में गृह युद्ध की तरफ ले जाती हैं। गृह युद्ध में क्या होता है हम सीरिया की भयानक तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं। 2022 तक देश में 10 करोड़ नौकरियां पैदा करने की बात करने वाले लोग अब राम मंदिर और हिंदू मुसलमान का राग अलापने लगे हैं। उनका यह राग असल में एक ऐसे भयानक शोर का रूप ले चुका है जिसमें असली सवाल दबकर रह जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पलपल न्यूज़।